गिनती 30वां बाब और मूसा ने बनी इसराइल के कबीलों के सरदारों से कहा कि जिस बात का खुदावन ने हुक्म दिया है वो ये है कि जब कोई मर्द खुदावन की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। और अगर कोई औरत खुदावंद की मन्नत माने और अपनी नौजवानी के दिनों में अपने बाप के घर होते हुए अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराए और उसका बाप उसकी मन्नत और उसके फर्ज का हाल जो उसने अपने ऊपर ठहराया है सुनकर चुप हो रहे तो वो सब मन्नतें और सब फर्ज जो उस औरत ने अपने ऊपर ठहराए हैं कायम रहेंगे। लेकिन अगर उसका बाप जिस दिन ये सुने उसी दिन उसे मना करे तो उसकी कोई मन्नत या कोई फर्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराया है कायम नहीं रहेगा और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा क्योंकि उसके बाप ने उसे इजाजत नहीं दी। और अगर किसी आदमी से उसकी निस्बत हो जाए हालांकि उसकी मन्नतें या मुंह की निकली हुई बात जो उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई है अब तक पूरी ना हुई हो और उसका आदमी यह हाल सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे तो उसकी मन्नतें कायम रहेंगी और जो बातें उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई हैं वो भी कायम रहेंगी। लेकिन अगर उसका आदमी जिस दिन ये सब सुने उसी दिन उसे मना करे तो उसने गोया उस औरत की मन्नत को और उसके मुंह की निकली हुई बात को जो उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई थी तोड़ दिया और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा। पर बेवा और मुतलका की मन्नतें और फर्ज ठहराई हुई बातें कायम रहेंगी। और अगर उसने अपने शोहर के घर होते हुए कुछ मन्नत मानी या कसम खाकर अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराया हो और उसका शोहर ये हाल सुनकर खामोश रहा हो और उसे मना ना किया हो तो उसकी मन्नतें और सब फर्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराए कायम रहेंगे। पर अगर उसके शोहर ने जिस दिन ये सब सुना उसी दिन उसे बातिल ठहराया हो तो जो कुछ उस औरत के मुंह से उसकी मन्नतें और ठहराए हुए फर्ज के बारे में निकला है वो कायम नहीं रहेगा, उसके शोहर ने उनको तोड़ डाला है और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा, उसकी हर मन्नत को और अपनी जान को दुख देने की हर किस्म की उसका शोहर चाहे तो कायम रखे या अगर चाहे तो बातिल ठहराए। पर अगर उसका शोहर रोज बरोज खामोश ही रहे तो वो गोया उसकी सब मन्नतों और ठहराए हुए फर्जों को कायम कर देता है। उसने उनको कायम यूं किया कि जिस दिन से सब सुना वो खामोश ही रहा। पर अगर वो उनको सुनकर बाद में उनको बातिल ठहराए तो वो उस औरत का गुनाह उठाएगा शोहर और बीवी के दरमियान और बाप बेटी के दरमियान, जब बेटी नौजवानी के अय्याम में बाप के घर हो। इन ही आयन का हुक्म खुदावन ने मूसा को दिया।